जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश जी की कहानी। हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं, भगवान श्री गणेश उनमें बहुत ही माने जाते हैं। श्री गणेश जी की कहानियां और उनके विषय में बच्चे जानना बहुत पसंद करते हैं। श्री गणेश भगवान का रूप देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। उनके मोटे से पेट, हाथ और हाथी वाले मुखड़े को देखकर हर बच्चे को मजेदार लगता है, इसीलिए बच्चे श्री गणेश को बहुत प्रेम भी करते हैं। श्री गणेश शिव जी और माता पार्वती के पहले पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार सबसे प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश जी की ये एक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय यही वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वे मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये भगवान श्री गणेश जी की एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी जो हम सभी को एक शिक्षा देती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो की जानकारी के लिए समाधान प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।